So guys, welcome back my YouTube channel. काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिन हो गए थे यार वीडियो बनाए हुए, टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर आप लोगों को एक न्यूज़ भी देनी है, न्यूज़ मैं आपको दूंगा बाद में। पहले मैं जा रहा हूँ स्पीड स्ट्राइकर्स के पास, सोनू भाई के पास, उनकी शॉप है जहाँ पर मैंने अपनी ग्लैमर थोड़ी मॉडिफाई करवाई है, एग्जॉस्ट लगवाया है और हैंडल चेंज करवाया है। देखो बाकी बात करते हैं बाद में, पहले चलते हैं उनकी शॉप पे, फिर आपको गाड़ी दिखाने के साथ साथ सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। बाकी तो आपने देख ही लिया, मैंने एक्रपोविक का एग्जॉस्ट लगवाया है, ठीक है। अभी उसका मैंने डीबी क्लियर हटाया तो आवाज़ उसकी और लाउड हो गई। हम पहुंच चुके हैं सोनू भाई के यहाँ। हाँ हो, बस बढ़िया, आप बताओ। और छोटू क्या हाल है? तो ये हैं सोनू भाई, पूरा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा तो अखिल है, सोनू तो मेरा अखिल है ना तुम्हारा नाम। जब भी ट्रू कॉलर पर अखिल ने था नहीं आ रहा था। तो गाइस पहले तो वैसे तो आवाज़ सुनी ली है एग्जॉस्ट की, लेकिन और आप क्लियर सुन लो। छोटू है ना, छोटू साउंड आपने सुन ली, अच्छी आवाज़ आ रही, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की थी कि ऐसी आवाज़ आ पाएगी, वो भी ग्लैमर में 125 में। बाकी गाड़ी तो भाई ने पूरी ऐसी चेंज कर दी। हाँ, टेपिंग मैंने कहीं और करवाई है, भाई ने ही बताया था, टेपिंग कहीं और करवाई है। और जो आप देख रहे हो ग्लैमर, ये फ़ॉन्ट उनके पास था नहीं, मैंने किया गया। मैंने एक ग्लैमर जो वो थी, उसमें बैनर था बाइक का, उसमें ग्लैमर था फ़ॉन्ट, उसको डाउनलोड करके कटिंग करवा के तब इसका मैंने फ़ॉन्ट निकलवाया, तब जाके इसमें थोड़ा टैंक में ग्रेस आई। बाकी तो इसमें बहुत काम हुआ है, लग नहीं रहा कि इसमें 15,000 रुपये खर्च हुए होंगे, है ना, लग नहीं रहा, लेकिन इसमें हकीकत में 15-16 हज़ार रुपये खर्चा आया मेरा पूरा, ठीक है। इसमें हैंडल डला और जी, आ जाओ आके बताओ। ये हमारे हैं अखिल भाई, ये बताएंगे जिनके यहाँ मेन तो ये एक्रा का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसके अलावा बैंड पाइप बनाया हुआ है। हाँ, बैंड पाइप से अलग हैंडल चेंज किया हुआ है, मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है, उसके बदन फ्लैग लगाया हुआ है, हैंडल लगाया हुआ है और 4 इंडिकेटर है केटीएम के फर्स्ट। देखो गाइज, ये है केटीएम के फर्स्ट कॉपी इंडिकेटर्स। अभी भाई देखो जला के दिखा रहे हैं। कितने पैटर्न इसमें? 14 है ना गाइज, इसमें 14 पैटर्न है जो आजकल चल रहे हैं ना, वो पूरे इसमें टोटल सारे पैटर्न है। देखो भी चेंज कर रहे हैं भाई, ये देखो एक पैटर्न ये वाला है और एक पैटर्न ये वाला है, मतलब ऐसे बहुत सारे पैटर्न है, पूरे टोटल 14। ये देखो एक थर्ड पैटर्न ये वाला है, ये बहुत अच्छा है। और बाकी मैंने लगवाई है टेल टाइडी और टेपिंग का काम हुआ है इसमें सारा। बाकी इसमें अगर मैं दिखाऊं तो मैं मेन स्टैंड लगा नहीं सकता क्योंकि इसमें जब बैंड पार्ट नीचे को आया है तो मुझे मेन स्टैंड हटाना पड़ा। और मैंने गाइस इसके सॉकर भी उठवाए हैं, सॉकर इसके काफ़ी उठ चुके हैं, पीछे से गाड़ी पूरी उठ गई है। और क्या हुआ इसमें देखो, मैं मेन स्टैंड लगा रहा था, भूल गया। और क्या हुआ था, ग्रिप चेंज हुई है। हाँ, ग्रिप चेंज हुए गाइस, लीवर चेंज हुए हैं, ठीक है। लीवर भी काफ़ी जम रहे हैं गाड़ी पे और ग्रिप भी सही लग रही है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो आया हैंडल में, हैंडल और एग्जॉस्ट बहुत मज़ा आया। और अब नहीं लग रही ग्लैमर की ग्लैमर होगी, मतलब एक फील ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा मैंने फील किया इस गाड़ी पे कि जब से मैंने एग्जॉस्ट लगाया ना तब से गाड़ी खुल के भाग रही है, मतलब एज अ रेसिंग बाइक। ऐसा होता है ना, पावर तो बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। सो गाइस, मैंने अब तक सुना ही था लेकिन अब देख भी लिया, एग्जॉस्ट लगने के बाद पावर बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। और मज़े तो बहुत आ रहे थे भगाने में, मतलब दो तीन जगह, मतलब अब ये हैंडल का कमाल समझ लो या कॉन्फिडेंस ले लो, मतलब दो तीन जगह गाड़ी ऐसे मुड़ी, मतलब ऐसे स्लिप हुई, मतलब मैंने इसको कंट्रोल में कर लिया गाड़ी को। हैंडल का कमाल होगा है ना, प्लस कॉन्फिडेंस। बाकी ठीक है फिलहाल के लिए तो अभी। और ये भी बात है कि गाइस जैसे आप लोग टैपिंग कराते हो ना, तो यार ये नहीं कि टेपिंग कराने के बाद वो रहेगी, उसमें दिक्कत आ जाती कभी ना कभी। अब जैसे सर्दियों में भाई ने बताया था कल मुझे, सोनू भाई ने, अखिल भाई ने, कि सर्दियों में थोड़ा अकड़ने लगती है टेपिंग ना। तो देखो ये, देखो सर्दियों में देखो ये दिक्कत होती है। देखो जैसे ये जी में आ रहा है, देखो यहाँ थोड़ी सी ये उड़ गई, फट गई, मतलब पन्नी ऊपर को उड़ गई, आर में, यू में, और ये साइड में टैंक में। चलो अभी फ़िलहाल तो सही है, लेकिन आगे मैं इसमें शायद कलर ही करवाऊंगा गाड़ी में। फ़िलहाल के लिए तो मैंने करवा लिया, थोड़ी गाड़ी सही दिखने के लिए। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी हो गई है पहले से, कोई कह नहीं सकता कि ये 125 ग्लैमर होगी। आवाज़ इतनी लाउड आ रही है, केटीएम में भी नहीं आ रही है ऐसी तो ना, आवाज़ बहुत मस्त आ रही है गाइस। इनके ना एग्जॉस्ट की बहुत तारीफ हो रही है, ये मैं सही बता रहा हूँ। मतलब 5-6 बंदों ने कह दिया भाई कितने का एग्जॉस्ट, कहाँ लगवाया, ये है वो है कौन सा है, और भाई इसमें बहुत खतरनाक आवाज़ आ रही है। एक यूट्यूबर और मिला था मुझे भाई, उसके चैनल का नाम मैं भूल गया, ऐसी कुछ करके DUK 17 राइडर ऐसी कुछ करके, वो भाई भी कह रहा था कि ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे 2 सिलेंडर में आती है। तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन हाँ भाई पुलिस वालों से बच कर रहना पड़ेगा। मेरा चालान भी कट गया मेरे चालान भी कट चुका है गाइस। बाकी अभी थोड़ा बहुत और काम रह गया इसमें, एक तो इसमें टैंक बैग लगेगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। भाई बता रहे थे कि इसमें क्या लगेगा, फुट रेस्ट चेंज होंगे गाइस ये वाले अभी, और ये चेंज होगा गियर वाला जो होता है, ये क्या कहते हैं इसको, गियर गियर लीवर ना गाइस, गियर लीवर चेंज होगा, मतलब ये पूरा हट के गियर लीवर लगेगा दूसरा, जैसे पल्सर अपाचे में आता सिंगल वाला वो लगेगा। फुटरेस्ट चेंज हो जाएंगे गाइस, ये इसी बाइक के लगे हुए हैं। बाकी थोड़ा काम और रह गया है इसमें, उसके बाद गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बाकी मज़ा आ गया, एग्जॉस्ट में मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बाकी यार लॉन्ग राइड पे तो गाइस DB किलर लगाने पड़ता है, क्योंकि पुलिस वाले रहते हैं इधर लगवे, कहीं मिल जाते हैं हाईवे पे कहीं भी। इतनी खुशी मुझे, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये DB किलर वाला एग्जॉस्ट क्यों लिया, कारण आप लोग जानते ही हो, ठीक है। जैसे कहीं पुलिस वाले मिल गए तो आप DB किलर लगा लो और निकल जाओ, वो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। वो एग्जॉस्ट भी देख लेंगे ना, तब भी नहीं कहेंगे, वो तब भी कुछ नहीं कहेंगे वो, ठीक है। चालान मेरा इसलिए कटा था क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था, नहीं तो वो लोग मुझे रोकते भी ना। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है। बाकी जब आपका मूड बने DB किलर हटाए और अपना आप मजा ले लो। बाकी गाइज मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप एग्जॉस्ट लो ना तो आप डीबी क्लियर वाले लो, उसमें आपको फ़ायदे हैं बहुत, उसमें आपको दो फायदे हैं, तो पुलिस वाले से बचोगे ठीक है, और आपका जो मज़ा है लेना चाहते हो आप वो भी आपको आएगा ठीक है? व्हील में पेंट, हाँ गाइज ये यार एक चीज़ तो भूल ही गए गाइज, सोनू भाई की बात से याद आया, अभी इसमें जो व्हील है ना एलॉय व्हील्स, इनमें पेंट होगा तब लुक बहुत अच्छा आएगा है ना, तब अच्छा लुक आएगा, तब गाड़ी और डिफरेंट लगेगी। और बाकी गाइज मैं फिलहाल के लिए देखता हूँ कहीं इसका, अगर सोनू भाई दिखवाते हैं मिलवाते हैं कहीं से इसका टैंक पैड, तो जल्दी इसमें टैंक पैड लगाना है, क्योंकि एक हम 26 तारीख को राइड करने वाले हैं। सोनू भाई के लिए तो वो राइड बहुत छोटी है लेकिन हमारे लिए फिर भी बहुत बड़ी है यार है ना, तो देखते हैं करते हैं आगे की तैयारी। बाकी इसकी सीट भी मैं थोड़ी सी चेंज करवाना चाह रहा था, सोनू भाई कह रहे थे कि यहाँ से दो पार्ट में हो जाएगी सीट और अच्छी लगेगी गाड़ी ठीक है। बाकी ठीक है, फिलहाल थोड़ा बहुत काम रह गया अभी, जो उसकी ये जो लाइन है क्या कहते हैं सोनू भाई इसको, है स्विंग आर्म, तो गाइज ये स्विंग आर्म है, इस पर भी मैं लिखवाऊंगा कुछ ना कुछ, या तो अपने चैनल का नाम आ गया यहाँ पे या कुछ भी लिखवा लूँगा, ये खाली खाली से लग रहा है मुझे एग्जॉस्ट के नीचे ठीक है। बाकी देखो यार, अगर आप लोगों के पास छोटी गाड़ी भी है ना, स्कूटर भी है ना, स्कूटी भी है, तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, आप आज ही अपना सामान उठाओ और अपना काम करना शुरू कर दो ठीक है, लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए। जितने भी ये है ना सौरभ जोशी व्लॉग्स, अनुराग डोभाल, ड्यूक जीरो सेवन राइडर, ये सब छोटे से बड़े बने। अब उसके बाद ड्यूक जीरो सेवन राइडर के पास क्या थी, FZ थी, और आज उसके पास निंजा है ठीक है। गाइज बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो छोटे से बड़े बने हैं ठीक है, मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, भाई आपके पास बाइक कौन सी है, ये है वो है, मैंने कहा जिन लोगों को तुम देखते हो ना वो भी पहले ऐसे हुआ करते थे। तो गाइज मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाकी अखिल भाई से दोबारा मुलाकात होगी, मैं तो रोज मिलते रहता हूं उनसे। चलो इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। Yeah, boy.